हमारा जो ये 12वां अध्याय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भक्तों के लक्षण की चर्चा करता है। भक्त के लक्षण क्या होते हैं। बाकी भगवान ने एक बात कही है 7वें अध्याय में कि मुझे ज्ञानी भक्त बहुत पसंद है, मुझे ज्ञानी भक्त पसंद है। 7वां अध्याय खोलें सबसे पहले, और 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि वैसे तो चारों पसंद है मुझे, चार प्रकार के भक्त। 16वां श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, पैसे की कामना से मेरा भजन करने वाले। हो सकता है हमको भगवान की पूजा करने से पैसे मिल जाए, जैसे वो डाकू भगत की बात बताई थी ना, पैसे की कामना से उसने सोचा कि हमको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में परिवर्तन हो जाएगा। आर्थ दुखी पीड़ित कष्ट में क्षुभित ऐसे लोग जिनको शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, जिज्ञासु जिनको जानने की जिज्ञासा है, कौन परमात्मा, कौन है परमात्मा, तत्व क्या है, आखिर परमात्मा को जाने तो कैसे जाने, अंत में ज्ञानी। ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं, पर उनमें भी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं। ऐसा वैसा ज्ञानी नहीं जिसको खूब रटा हुआ है ज्ञान, वो नहीं, मुझे तत्व से जानने वाला ज्ञानी। तो भक्त का पहला लक्षण क्या है, उसे परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा होनी चाहिए, उसे ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी का मतलब जरूरी नहीं पढ़ा लिखा हो, वो अनपढ़ भी हो तो भी चलेगा, पर उसके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं और मेरा परमात्मा, हम दोनों एक दूसरे के साथ एकाकार हो सकते हैं। तो वेदांत से भी ऊपर की कक्षा है ये ज्ञानी की। और वो कहते हैं कि ये सभी उदार है, आरती भी, आर्त भी, अर्थार्थी भी, जिज्ञासु भी, ज्ञानी भी। 18वां श्लोक, मतलब ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। वह मदगत मन बुद्धि प्राण वाला, मत युक्तात्मा आस्थित ही सही युक्तात्मा मामे मानो तमाम गति, वह अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थित है। जो ज्ञानी भक्त है भगवान में स्थित है। अब ज्ञानी को कहीं एजुकेशन से मत जोड़ना, क्या PhD किया इसने या किसी ने कोई MA किया, वो ऐसा नहीं। ज्ञानी मतलब जो भगवान के ज्ञान में पूरी तरह से परिचित, भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ये माया क्या है, इन सब चीजों को जो जानता है और जानने के बाद जो जुड़ा है। तो भगवान यहाँ पर 15वां 16वां श्लोक आज हम ले रहे हैं, उसके पहले कुछ लक्षणों की चर्चा कर चुके हैं। क्या क्या लक्षण है मैं कल वाले फिर दोहराता हूँ, 11 लक्षण है, तुम लोग सुनते जाना। द्वेष से रहित, सभी प्राणियों में द्वेष रहित होना पहला। दूसरा सबसे प्रेम मैत्री भाव। तीसरा करुणा। चौथा ममता रहित। पांचवा अहंकार रहित। छठा सुख दुख में संभाव, कहीं कोई सुख और दुख हमें लिप्त नहीं हो करता। सातवां क्षमावान, कोई भी अपराध किसी ने किया उसका अभयदान दे देना, अरे भाई हम क्षमाशील हैं। जैनियों में इस धर्म की पर्युषण पर्व, क्षमा पर्व का बहुत महत्व है, और हमारे ये भी कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन हम सबको क्षमा कर दें, क्षमा वाणी कहा जाता है कि क्षमा आज जो है सबके सब जितने भी अपराध हमारे प्रति किसी ने किए उनको क्षमा कर दें, हमने किसी का अपराध किया तो वो लोग हमें क्षमा कर दें। क्षमा में बड़ा, क्षमा वीरों का भूषण है, क्षमा वीरों का भूषण, पर क्षमा उसको नहीं किया जाना चाहिए जिसने समाज का नुकसान पहुंचाया, क्षमा उसको नहीं करना चाहिए जिसने कि समाज का अहित किया, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो असुर हो, चाहे आतंकवादी हो, इन लोगों को दंड दिया जाना चाहिए, इनके लिए क्षमा नहीं है, उनके लिए भगवान का विधान है। निरंतर संतुष्ट, तब संतुष्ट तो बहुत सारे मिल जाते हैं पर निरंतर संतुष्ट बहुत कम मिलते हैं। संतुष्टता की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ संतुष्टता, बीइंग सेटिस्फाइड ऑल द टाइम, हमेशा संतुष्ट, अरे ये कभी असंतुष्ट नहीं रहता। असंतोष का मतलब है उद्विग्नता, स्ट्रेस, वहां परेशानी आ जाती है, तो हम असंतुष्ट ना हो, मन इंद्रिया हमारी वश में हो। 9वां लक्षण। 10वां परमात्मा में दृढ़ निश्चय के साथ स्थित। 7वां प्रभु में ही मन और बुद्धि। 11वां प्रभु में ही मन बुद्धि का नियोजन। ये जो 11 लक्षण है भगवान इन्हीं को आगे बढ़ाते हैं,
भगवान कहते हैं चलो लक्षणों की चर्चा चल रही, तो मैं आगे और बताता हूँ कि जो मेरा भक्त है, जो सगुण भक्ति करता है, वो कैसे चला जाता है। कल हो सकता है थोड़ा तुमको कठिन लगा हो, जो 11 लक्षण जो है ना, ये समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो कि 11 लक्षण एक साथ बता दिए, तो वो भगवान बता रहे हैं, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। भगवान श्लोक गीता में बता रहे हैं, एक ही श्लोक में बता रहे हैं पूरे के पूरे। तो अगर भगवान बता रहे हैं तो हमें उसको जज्ब करने का माध्यम रखना चाहिए। कौन रख सकता है? ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्ति जज्ब कर सकता है कि क्वालिटीज कौन कौन सी होती है भक्ति। एक एक गुण पर विचार करेंगे तो एक एक गुण को डेवलप कर सकते हैं, एक एक गुणों की खेती कर सकते हैं। अगले गुण कौन से हैं? यस्मान्नो द्विजते लोको, 15वां श्लोक। यस्मान्नो द्विजते लोको, 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्ते मुक्तो यः सच मे प्रिय। बहुत ही उच्चतर कक्षा है। कैसी? जो आदमी लोक से कभी उद्विग्न नहीं होता और लोक को कभी उद्विग्न नहीं करता। लोक यानी संसार, जो संसार को कभी उद्विग्न नहीं करता और संसार से कभी उद्विग्न नहीं होता। सारी दुनिया आज परेशान है, संसार से उद्विग्न हो रही है या संसार को उद्विग्न कर रही है। अगर मैं अपने घर में परेशान हूं तो इसलिए परेशान हूं कि मेरे घर में किसी की मेरी प्रगति क्यों नहीं हो रही, औरों की प्रगति क्यों हो रही है, मेरे और भाई हैं उनको आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑफिस में परेशान हूं क्योंकि मेरे बॉस मुझे स्थान नहीं देते। आज आदमी लोक से उद्विग्न है, सारी की सारी समस्याओं की जड़। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की जब बात करते हैं ना, तो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट यही आ जाता है कि जितनी भी व्यवस्था बुद्धि का विकास है वो तभी हो पाएगा जब आदमी ये सोचे कि मुझे किसी को उद्विग्न नहीं करना, मुझे शांत रह करके अपना काम करना है, और ना मुझे उद्विग्न होना है, न मैं किसी को उद्विग्न करूं, न मैं किसी से उद्विग्न हूं। लोग उकसाएंगे, लोग आपको बार बार टोचेंगे, लोग आपको बार बार कहेंगे अरे भाई कुछ तो बोलो, हमने तुम्हारे लिए इतने अपमानजनक शब्द कहे, कुछ तो बोलो। नहीं, अपने मन से अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलती। जब आप वो स्वरूप अख्तियार कर लेते हैं तो क्या होता है कि फिर आप भगवान की निगाह में ऊंचे भक्त बन जाते हैं। पतंजलि क्या कहते हैं? पतंजलि कहते हैं मैत्री मधुता करुणा उपेक्षा। पतंजलि चार ही बात करते हैं ना, मैत्री मुदिता करुणा उपेक्षा। भगवान इसके बाद चलते हैं आगे। श्री कृष्ण यहां कहते हैं लोक से सम्यक व्यवहार, संसार से सम्यक व्यवहार। ठीक ठीक, व्यवहारिक अध्यात्म इसी को कहते हैं। ठीक से व्यवहार कीजिए, तालमेल बढ़िया बिठाइए, ऐसा बिठाइए कि दोनों आप अपने कोई परेशान नहीं करें, संसार कोई परेशान नहीं करने दें। ये जो दोनों के बीच में तालमेल का अभाव है, संसार में और हमारे बीच में तालमेल का अभाव है, यही हमारे सारे दुखों का कारण है। संसार से तालमेल बिठाने के लिए हमें कुछ ऐसे आर्ट सीखने पड़ेंगे कि हम लोक से आसक्त न हों। कुछ लोग संसार से संबंध के बारे में मौन रहते हैं, जो भक्त होते हैं, श्रेष्ठ भक्त होते हैं, संसार से संबंध के बारे में मौन रहते हैं। भाई संसार में इसलिए रहते हैं, संसार में रह करके खाना है, पीना है, चलना है, पर संसार से संबंधों के बारे में मौन रहते हैं। दो शब्द आते हैं, एक बुद्ध प्रयोग करते हैं, एक महावीर। अरहत, बुद्ध कहते हैं अरहत और महावीर कहते हैं अरिहंत। महावीर कहते हैं अरिहंत। अरहत का मतलब क्या है? जिसको हताहत न किया जा सके, इसका कोई नुकसान न कर सके। तो ये यस्मान्नो द्विजते लोको कौन होता है? अरहत होता है। अरहत यानी एक प्रकार से ऊंची श्रेणी भक्तों की। और अरिहंत जिसका कोई शत्रु न हो, अरिहंत जो महावीर ने यूज किया, जिसका कोई शत्रु न, जो न उसका कोई हनन कर सके, न उसको कोई मार सके। तो लोग जिससे उद्विग्न न हो, जो लोग से कभी उद्विग्न न हो, ऐसे योगी, ऐसे भक्त भगवान की भाषा में महान भक्त। आकाश पर चलने वालों के पगों के निशान नहीं पड़ते, ऐसा कहा जाता है कि जो आकाश में सिद्ध पुरुष चलते हैं उनके पांव के निशान नहीं पड़ते। स्वर्ण हंस जो होता है, मानस का सरस हंस, उसके निशान नहीं पड़ते। इसी तरह से लोक में रहते हुए भी लोक से अलग रहना, संसार में रहते हुए भी संसार में अलग रहना। कैसा? मैंने उदाहरण दिया था, कोई देखा? जैसे जल में कमल का फूल रहे, आप निकालिए, पानी टप टप करके गिर जाएगा, एक बूंद भी उसमें लिप्त नहीं होती। जैसे जल में कमल का फूल रहे, ऐसे हम रहे संसार में, लेकर भी संसार में लिप्त रहे। हम लिप्त रहते हैं इसलिए हम परेशान होते हैं, हमें राग द्वेष सताते हैं,
हमें मोह बार बार याद आता है, हमें दुनिया भर के कष्ट याद, उसने हमें कष्ट दिया, उसने हमें परेशान किया, उसने हमें दुखी किया, उसने हमें उद्विग्न किया, उसने बेचैन किया, हम उसको ठीक करेंगे। अब ये जो शत्रुता की द्वेष की बातें जो आती है ना, वो इसी वजह से आती हैं कि हम हमारे मन में न जाने कौन सा कोना है जिसमें एक दानव बैठा हुआ है, वो दुनिया भर के नेगेटिव चिंतन पैदा करता रहता है। उसको ठीक करें और ठीक करके लोक के साथ तालमेल ऐसा बैठाएं कि हम लोक में रहते हुए भी लोक से अलग रहें, जल में कमल की तरह टिकता ही नहीं है। सामान्यतः हम लोग को उद्विग्न करते हैं और हम उद्विग्न रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में, रेस्टलेसनेस रेस्टलेसनेस, तनाव तनाव तनाव, नॉट एट रेस्ट एट एनी मोमेंट। कभी जब आपको ऐसा भाव मन में हो कि शांति नहीं है मन में सुबह से अभी तक, तो इसका मतलब एक लोक में कहीं जरूर से ज्यादा लिप्त तो नहीं हो गए, किसी को उद्विग्न तो नहीं कर दिया। उद्विग्न कर दिया तो 5 सेकंड के लिए, मैं तो बहुत लंबा टाइम नहीं दे रहा हूं, 5 सेकंड के लिए मन को शांत करके ये प्रार्थना करिए कि भगवान हमने किसी को कष्ट पहुंचाया हो तो हमें उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए, और अगर किसी ने हमें पहुंचाया हो तो उसके लिए उसको क्षमा कर दीजिए, ताकि हमारे मन में उसके प्रति कोई भावना आए। इतना अगर आपने ध्यान कर लिया तो सारा का सारा मन जो है वो ठीक हो जाएगा। मन को ठीक करने का तरीका एक ही है, मन की चाल को, कि आप कभी किसी को परेशान करने की बात ना सोचें। हमारे यहाँ रात्रि जागरण होता है तो 9 दिन नवरात्रि के ऐसे होते हैं, दशहरे के दिन ऐसे होते हैं। दशहरे पहले हरिपुरा में होता था तो पता भी चलता था लाउड स्पीकर, अभी इस बार नहीं हो रहे गए, आवाज नहीं आती रात में। एक सरदार जी थे उनकी सरदार जी की पत्नी जो थी वो आई और बोली कि जब से रिटायर हुए हैं सबको परेशान करते रहते हैं, जब से रिटायर हुए क्या क्या करते हैं भाई, रिटायर हुए तो घर में बैठते हो तो क्या परेशान करते हैं। बोले नहीं, वो जपू जी का पाठ करते हैं, बड़ा अच्छी बात है जपू जी का पाठ करते हैं, वो तो ठीक है, तो जपू जी का पाठ करें, अपने आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें, बहुत बढ़िया है। परंतु वो जो करते हैं वो गलत करते हैं, वो क्या करते हैं छत पे जाकर रात में माइक पे बोलते हैं सारा अक्सर जपू जी का। तो बोले छत पे जाकर जपू जी का पाठ बोलते हैं, मोहल्ले वालों को उद्धार कैसे होगा भाई, मोहल्ले वालों को उद्धार करना, अब सारों की नींद हराम, सब आके उनको 10-10 बार सुना, जब आए तो सोए हुए क्योंकि रात भर तो जगे बेचारे, दिन में सोए हुए, उनकी पत्नी को डांट के चले गए, इनको आप सदा जी को समझा दीजिए। रात में फिर जपू जी का पाठ किया उन्होंने, जपू जी का पाठ तो ठीक है पर हमें नींद को हराम कर। हमारे यहाँ ये साधु संत लोग जो है ना, ये माइक लगा लेते हैं, माइक शांति कुंज की तरफ मुंह करके लगा लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, जोर जोर चिल्लाते हैं। अभी तो कथाओं का मौसम नहीं है, जब कथाओं का मौसम आता है 17-18 जगह कथाएं चलती हैं और ऐसी टकराती है, साए 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 हाय हाय हाय, अब मालूम ही समझ में नहीं आता किसको सुना रहे हो। तुम्हारे यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 2-3 कथाओं में कुंभ के समय, हम छोटे उस समय यंग थे, 26-27 साल की उम्र थी, तो सब लोगों को साथ लेके कुंभ के मेले में गए देखने, तो कहीं 5 बैठे कहीं 7 बैठे, पर माइक इतना बड़ा लगा हुआ कि माइक के स्पीकर से वो हजारों को सुना रहे, कोई नहीं सुन रहा, इनकी आवाज़ उनसे टकरा रही, इनकी आवाज़ उनसे टकरा। तो गुरुदेव के साथ एक बार गुरुदेव के साथ गए कुंभ के मेले में, होगा 72 का 74 का कुंभ था, तो गुरुदेव ने कहा ये कौन है मालूम है, आप ही वक्ता आप ही श्रोता आप ही गाल बजा वही पुनी पुनी आप ही वक्ता है खुद ही वक्ता है खुद ही श्रोता है आप ही गाल। ये सब दूसरों को उद्विग्न करने में इनको मजा आता है, दूसरों को परेशान करने में इनको मजा आता है। लगा दिया स्पीकर, कैसा चल रहा है सब, आरती चल रही, ड्रम ढम ढम, ऐसा लग रहा है जैसे हजारों लोग आरती कर रहे हैं, जाओ तो एक आदमी भी नहीं है आरती करने वाला, कौन है, एक पंडित जी आरती कर रहे हैं और एक वो ड्रम बज रहा है जोर से। वो ये जो भक्ति है ये बड़ी परेशान करने वाली भक्ति है, ऐसी भक्ति भी नहीं होना चाहिए जो किसी को परेशान करे। इसलिए धर्म के नाम पर लोग उखड़ते हैं बुरी तरह से। क्या चल रहा है सब, रात्रि जागरण चल रहा है, रात्रि जागरण में क्या हो रहा है, अभी तो सब चालू ही हुआ है, अभी तो कोको कोला ही चला है, इसके बाद आप देखना थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद सबको फिर और भी दिया जाएगा कुछ, उसके खाने पीने की बात चलेगी, खाना पीना चलता रहेगा पर रात्रि जागरण चलता रहेगा। मालूम नहीं कौन सी रात्रि की देवी प्रसन्न होती होगी, जितनी देवियां होती होंगी 9 के 9 देवियां मिलकर इनको श्राप देती होंगी कि ऐसा रात्रि जागरण करोगे तुम लोग सबको मैं देख लूंगी अगले जन्म में। वास्तव में ये रात्रि जागरण किसी काम का नहीं, इससे तुम्हारे जितने ही पड़ोसी हैं सब मारने आ जाएंगे तुमको और कहेंगे कि ऐसा ऐसा रात्रि जागरण और ऐसा जपू जी का पाठ मत सुनाया करो हमको, दिखावा दिखावा करते हैं। लोगों को रिझा के क्या मिलेगा, आप लोगों को रिझा रहे हैं। तुलसीदास ने एक बात कही है, कहूं कौन निधि लोक रिझाई, तुमको कौन सी सिद्धि मिल जाएगी, कहूं कहूं मुझे बताओ कौन निधि, कौन सी सिद्धि मिल जाएगी तुमको, कौन सा खजाना मिल जाएगा, लोक रिझाई लोगों को रिझा करके क्या खजाना मिल जाएगा।
दुनिया भर की सारी जो आज प्रदर्शन की वृत्ति चल रही है उसका कारण क्या है? कि प्रदर्शन की वृत्ति से लोगों को पता चले हम हैं, भाई हम हैं, हमें पहचानो, हमें जानो, हम कौन हैं, हमें क्या मिलेगा लोग को रिझाकर, पर फिर भी लोग करते हैं। भक्ति की दृष्टि में संसार नहीं रहता, भक्ति ईमान के चलता है संसार से परे चिंतन करता है। भक्त की दृष्टि में भगवान, भक्त को भगवान दिखाई पड़ता है, उसको लगता है क्या भगवान आप मिल गए, क्या हो गया, स्वर्ग मिल गया जैसे कोई, अब मुझे कहीं नहीं, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। महर्षि अरविंद के पास राधा कृष्ण ने प्रस्ताव भेजा और महर्षि राधा कृष्ण ने कहा कि हमने आपके एक दो लेख पढ़े, किसी और ने आपकी बोली हुई राइटिंग्स को हमारे पास लिख करके भेजा, आपकी बोली हुई वाणी को हमारे पास लिख के भेजा, हमें लगा नया चिंतन है बिल्कुल। डॉक्टर राधा कृष्ण बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे, टीचर्स डे के दिन आप लोगों को बताया था ना मैंने कि बहुत ही बड़े दर्शनविद थे और दर्शन शास्त्री होने के साथ साथ लगभग लगभग 10-15 साल छोटे थे राधा कृष्ण महर्षि अरविंद से। और राधा कृष्ण जी ने एक पत्रिका शुरू करने का मन में विचार किया, तो उन्होंने कहा इस पत्रिका में लेख अगर छपे तो छपे श्री अरविंद के लेख छपे। श्री अरविंद शुरू शुरू में कुछ छोटे छोटे एक एक दो तीन तीन पेज के लेख लिख देते थे, तो पॉल रिशार्ड श्री माँ के पति, जो उनके साथ श्री माँ रहती थी ना, उनके पति पॉल रिशार्ड ने कहा कि आप अपने अनुभव और सिद्धियों को निचोड़ क्यों नहीं लिखते, क्या करूंगा लिख के, किसके लिए लिखूं, कहूं कौन निधि लोक रिझाई, किसको रिझाने के लिए लिखूं। बोले मुझे दर्शन आता ही नहीं है, मुझे दर्शन नहीं आता, देश भक्ति परक लिखता था वंदे मातरम में, मैं वंदे मातरम में लिखता था, लोगों की आग जलाता था अंदर से, मैं कहां दर्शन को जानता हूं, मैं तो भगवान का ध्यान शुरू से करता आया हूं, तो जो मन में से भाव निकलते हैं लिखता हूं, डेढ़ पृष्ठ मुश्किल से लिख पाऊंगा, अगर लिख पाऊंगा तो भी एक डेढ़ पृष्ठ लिख पाऊंगा। बोले कांट का नाम पढ़ा है आपने, कांट का, तुम लोगों ने पढ़ा है कांट का नाम, इमैनुअल कांट बोलते ना उसको, तो स्पेलिंग कहां से चालू होती है, इमैनुअल कांट ना, EMANUEL। तो श्री अरविंद मजाक में कहते हैं मैं उनको आई लिख करके लिखता था, IMANUEL, इमैनुअल कांट, शॉर्ट में क्या बोलता था, आई कांट, तो बोलते आई कांट राइट, मैं नहीं लिख सकता मैं जब कांट को नहीं पढ़ा, मैंने कांट को ही समझ पाया, मैं क्या लिखूंगा। मुश्किल से मेरे चिंतन में जितना भी कुछ है भगवान का स्वरूप है, और राष्ट्रभक्ति के बाद अब मेरे मन में भगवत भक्ति की बात जो आती है वो भी इसलिए आती है कि सारे विश्व का उद्धार करना है। तो पॉल रिशार्ड बोले एन योगी कैन डू एवरीथिंग, यू आर ए योगी, यू कैन डू एवरीथिंग, व्हाट एवर इज पॉसिबल। तो उन्होंने लिखना शुरू किया और आपको मालूम है 106 पुस्तकें चालू की उन्होंने। अरे एक किताब चालू की होती तो एक बात थी, नहीं लिखते थे, लिखना चालू किया तो 6 पुस्तकें लिखना चालू, लाइफ डिवाइन, सावित्री, गीता, एसेज ऑन गीता, ये सारी उन्हीं की चालू की हुई एक साथ, योग सिंथेसिस एक साथ लिख के शुरू की। राधा कृष्ण बड़े प्रभावित हुए, उनका बिल्कुल नया चिंतन है, साहित्य के क्षेत्र में नया हस्ताक्षर है, आध्यात्म जगत में नया हस्ताक्षर है। उन्होंने दर्शन पर एक पत्रिका निकाली, ईस्ट एंड वेस्ट, राधा कृष्ण ने, उन्होंने कहा कि आप लिखिए मैं छापूंगा, सारी संसार जानेगा कि श्री अरविंद क्या लिखे। उस समय संसार श्री अरविंद को नहीं जानता था, पांडिचेरी में बैठे हुए थे, मौन साधना कर रहे थे, कोई जानता नहीं था। आप लिखिए मैं छापूंगा, मैं प्रकाशित करूंगा, संपादित करके संसार जानेगा। श्री अरविंद ने कहा मैं संसार के लिए नहीं लिखता, मैं संसार में प्रसिद्धि की कोई कामना नहीं रखता। भाई बहनों आज हम श्री अरविंद की इतनी बात कर रहे हैं, पर अरविंद जितने दिन रहे उतने दिन उन्होंने कभी प्रसिद्धि की कामना नहीं की, कभी प्रसिद्धि का 1950 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, 1950 में शरीर छोड़ते समय तक उनकी कोई पेपर कटिंग उनके बारे में कोई छपी हो, कुछ पता लगी हो, नहीं कहीं कुछ नहीं। वो जो काम कर गए वो अब पता चल रहा है लोगों को। गुरुदेव के बारे में बहुत सारा जो अब लोगों को मालूम है उनके जाने के बाद मालूम पड़ा है, उनके समय में नहीं। ये लोग ऐसी चीजों से परे हैं। सावित्री कावे को नोबेल प्राइज देने की बात आई, सावित्री कावे जब पूरा प्रकाशित हो गया तो कहा नॉमिनेट किया जाए नोबेल प्राइज के, तो हंसे बोले ये एक योगी की अनुभूति है, ये बाजार में संसार में रखने लायक किताब नहीं है कि संसार में किताब रख दी इसका मूल्यांकन करो किसने लिखा है, शेरविन ने लिखा है, अरविंद का मूल्यांकन करो, क्या मूल्यांकन करो, नोबेल प्राइज दो उसको, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सम्मान नहीं, भेजी नहीं उन्होंने, किताब ही नहीं जाने दी उन्होंने सावित्री कावे को, जो उन्होंने कहा कि एक योगी की अनुभूति है और ये केवल साधकों के लिए है, संसार के लिए नहीं है।
परम पूज्य गुरुदेव बैठे हुए थे बाहर धूप में, मैं पीछे वाले कक्ष में रहता था 1984 के बाद। पीछे वाले कक्ष में बाहर निकला पानी पीने के लिए, तो देखा गुरुदेव के पास हमारे एक अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो इन दिनों हमारे डॉक्टर के रूप में है काम कर रहे थे, उन दिनों रिटायरमेंट के बाद आई थी, जस्ट 2 साल ही हुए थे आए तो, वो बैठे हुए थे गुरुदेव के पास। गुरुदेव कहा सुनो सुनो भाई, चलो सुनो आओ बैठो, तुम भी बैठो। मैं बैठ गया। ये कह रहा है कि गुरुदेव आपके लिए आपको पद्मश्री मिलनी चाहिए, तो आपकी पद्मश्री के लिए आप कहें तो हम पेपर्स बनाएं और हम जाएं पद्मश्री के लिए बात करने के लिए, तुम्हारा क्या मत है। मैं खूब हंसा, पहले तो गुरुदेव सर में हंसी आ गई मुझे, फिर मैंने कहा गुरुदेव पद्मश्री क्या, पद्म भूषण क्या, पद्म विभूषण क्या, अगर भारत सरकार आपको भारत रत्न भी दे तो भी आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भारत रत्न नहीं, आप विश्व रत्न हैं। आपको भारत रत्न जैसी भी उपाधि छोटी है आपके लिए। तो गुरुदेव ने उनसे कहा सुना सुना तूने, देख तू समझता है कि मैं तेरी बात से खुश हो जाऊंगा, तो तूने मुझे खुश करने के लिए कहा कि पद्मश्री पद्मश्री, ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने मुझे सही समझा है, ये मेरे को सही रूप में जानता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुरुदेव को मैं जानता था कि वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। लोग कैसे उद्विग्न होता, लोगों से ऐसे लोगों से कैसे उद्विग्न होता। गुरुदेव को शारीरिक कष्ट था, पर गुरुदेव ने कभी किसी को नहीं कहा। मैं डॉक्टर था, उनके पास रहता था 24 घंटे, उनके पास रहता, आखिरी के 2.5 वर्ष में 24 घंटे उनके पास रहा। शारीरिक कष्ट भी था तो उन्होंने कभी बताया नहीं। चलने में दिक्कत हो रही तो भी वो नीचे उठे सहारा लेकर, हम सहारा भागे भागे उतनी देर में नीचे उतर गए, फिर बाहर तक गए, फिर उनके पैर पे मालिश वगैरह की। आखिरी का साल 1990 का, कभी भी उन्होंने अपने लिए सेवा किसी की नहीं ली, पर मैं मानता हूं कि हाँ मुझे वो मौका मिला डॉक्टर होने के नाते। श्री अरविंद का अंतिम दिन चल रहे थे, 4-5-6 दिन थे, अंतिम दिन थे, शरीर छोड़ना चाहते थे। पंखा चल रहा था, जैसे पंखा चल रहा है ना, ये उनके सिर के ऊपर चल रहा था पंखा। अब वो थोड़ा सा पंखे की हवा उनको अच्छी नहीं लग रही थी, समुद्र की हवा आ रही थी, पंखे की हवा अच्छी नहीं लग रही थी। तो उन्होंने डॉक्टर मणिलाल से कहा, अरे भाई निरोध वरण नहीं आया आज, 2-3 दिन बाद शरीर छोड़ना था उनको, मालूम था किस दिन शरीर छोड़ना है, निरोध वरण नहीं आया। बोले क्या बात हो गई, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं आपकी देखरेख में हूँ, आप बताइए। वो भी डॉक्टर है, बोले नहीं निरोध निरोध को बुला लो, निरोध उनके पुत्र के समान थे, निरोध वरण को बुला लो। अरे बताइए तो सही, तकलीफ हो तो मैं ठीक कर देता हूँ। तो श्री अरविंद बोले आपको तकलीफ ना हो तो पंखा थोड़ा धीमा कर दीजिए, छोटी सी बात, आपको तकलीफ ना हो, आप चूंकि इतने बड़े डॉक्टर हैं और आपसे मैं कहूँ पंखा स्लो कर दो कितना बुरा लगेगा। निरोध मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे से कह सकता हूँ, मैं अपने नौकर से कह सकता हूँ, मैं अपने शिष्य से कह सकता हूँ, पर आप तो मुझे ठीक करने के लिए आए डॉक्टर हैं, आपको तकलीफ ना हो तो पंखा थोड़ा धीमा कर दीजिए। कितनी बड़ी बात है, लोग जिससे उद्विग्न ना हो, आपकी किसी हरकत से किसी को बेचैनी ना हो, ऐसा भी महापुरुष हो सकता है, जैसे महाभक्त होते हैं। ऐसे भक्तों के बारे में भगवान कृष्ण ने कहा है कि लोग जिससे, वो मणिलाल जी ने अपने संस्मरण लिखे हैं, डॉक्टर मणिलाल ने, हमने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो ये कहता हो कि मेरे व्यवहार से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि किसी के ईगो को चोट पहुंचती कि भाई साहब छोटा सा काम कराया हमसे, क्या पंखा कम कर दो, जबकि हम डॉक्टर के लिए गए थे, हम मेडिकल एड के लिए गए थे। गुरुदेव अपने हाथ से पानी पीते थे, गुरुदेव अपने हाथ से कुर्सी उठाते थे, कभी हम में से कोई पहुंच भी जाता था पानी पीने पिलाने के लिए, उनको गिलास देने के लिए, तो नहीं मना कर मैं ले लूंगा। मैं आखिरी समय तक उन्होंने फरवरी मार्च अप्रैल तक, 27 अप्रैल वो अंतिम दिन था जिसके बाद उन्होंने औरों की चीजें स्वीकार की 1990 में, परंतु 27 अप्रैल तक उन्होंने अपने हाथ से पानी पिया है, सब कुछ काम अपने हाथ से किया है। श्री अरविंद ने अपने हाथों से एक किताब लिखी, कारावाहिनी, कारावाहिनी, कारा यानी जेल, जेल की एक हमारी जीवन गाथा, जेल की कहानी। तो लिखते हैं उस कथा में, पढ़ने लायक है। अंग्रेजों के खाने में दाल मिलती थी, पर दाल में कंकड़ इतने रहते थे कि दाल ढूंढना मुश्किल हो जाता था, कंकड़ दाल नहीं। चचड़ी की सब्जी, वहां कलकत्ता में चचड़ी, चचड़ी जानते हैं क्या होती है, बड़ा सा एक वो होता है उसका काट काट कर चचड़ी की सब्जी करके देते थे, पर उसमें चचड़ी नहीं होती थी, बाकी सब कुछ होता था। तो बोले हम लोग उसको खाते, रोटी भी खाते डुबो डुबो के, पर भाव ये करते क्योंकि ये कह रहे हैं कि चचड़ी की सब्जी तो इसमें चचड़ी है, ये दाल कह रहे थे दाल है, हम डुबो के खा लेते थे रोटी, 1 या 2 रोटी खा लेते थे। उसके बाद क्या करते थे, उपनिषदों का पाठ करते थे। उपनिषद कहाँ थे, वहां नहीं थे, जेल में अवेलेबल नहीं थे,
जो कंठस्थ थे उपनिषद, उस कंठस्थ उपनिषद का प्रस्तुतिकरण किया। सारे जेल में रहने वाले जितने भी लोग थे सब मिलकर के उनके साथ पास बैठ जाते और गीता उपनिषद के हर एक मंत्र का ध्यान, एक एक मंत्र का, गीता का एक मंत्र ले लिया उसी का ध्यान, उसकी व्याख्या, और व्याख्या करने के बाद सत्संग हो गया, अब चलो ध्यान करते हैं इस गीता के इस मंत्र का, उपनिषद के इस मंत्र का। जेल में जितने लोग थे, सब लड़के जितने उनके साथी थे, वो सब सिद्ध आत्माएं थी, ऐसा उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, कारावाहिनी में सारी सिद्ध आत्माएं थी, योगी थी, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। जेलर ने और जेल में रहने वाले वार्डन वगैरह ने कष्ट देने में कोई परेशानी कम नहीं रखी, बहुत तकलीफ थी, बहुत परेशान किया, पर रोशनी नहीं, आप किसी से मिल नहीं सकते, परंतु तो एक आनंद, हम सब साथ बैठ करके और खुश, हमेशा खुश, अपमान भरी भाषा का प्रयोग, पर उसमें उद्विग्न नहीं, लोग हमें उद्विग्न नहीं कर सकता, उद्विग्न जरा भी नहीं, कभी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बेचैनी, रोटी फेंक के मारी, रख ली, कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रारब्ध है कि तुम रोटी फेंक के मार रहे हो, हमारा प्रारब्ध है कि हम उसको ले रहे हैं और खा रहे हैं, हमारा प्रारब्ध है कि हम जेल में हैं, देश के लिए जेल में हैं, अपराध के लिए जेल में नहीं है, देश के लिए जेल में। सभी खुश, सभी का वजन जेल से निकले तो कम से कम 4-4, 5-5 किलो बढ़ गया। क्या खाई थी? चचड़ी की सब्जी खाई थी, अरे कंकर की सब्जी खाई थी, दाल खाई थी, अरे कंकर की दाल खाई थी, कुछ नहीं खाया, केवल प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे, ध्यान करते थे, उपनिषद का पाठ करते थे, और कभी किसी को उद्विग्न नहीं होने दिया, कभी अपने आप को उद्विग्न नहीं होने दिया, कभी संसार को उद्विग्न नहीं होने दिया। लाल चेहरा, टमाटर की तरह से लाल चेहरा लेकर निकला, तो जेलर ने कहा क्या खिलाया तुमने इनको, बोले सर वही दाल, वही चावल, वही रोटी और वही सब्जी। तो बोले ये ऐसा कैसा हो गया इनका? तो बोले साहब न जाने किस मिट्टी के बने हैं, तो उससे भी मजबूत बन गए, मजबूत होकर के निकले। भक्त को उद्विग्न करने की सामर्थ्य नहीं होती संसार में, संसार भक्त को उद्विग्न नहीं कर सकता। अगर भक्त उद्विग्न हो गया तो इसका मतलब यह है कि भक्त नहीं है, भक्त नहीं है, ये कोई ज्ञानी है, कोई ब्रह्मज्ञानी है, कोई वेदांती है, ये इसको कोई, इसके अहंकार को कोई चोट लगी। प्रहलाद को तंग किया गया पर उन्होंने किसी शिकायत नहीं की। भक्ति का अहम नहीं है, न शक्ति का अहम, हम परमात्मा के यंत्र हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मां मैं यंत्र, तू यंत्री, मैं यंत्र, मैं इंस्ट्रूमेंट तेरा, तू यंत्री, तू चलाने वाली इंजीनियर, तू मुझे चला। भगवान का एक यंत्र है भक्त, वो जब चाहे करा लेगा, ये उसको मालूम है। अब आगे भगवान कहते हैं कृष्ण, यस्मानो दिस्ते लोको लोकानो दिस्ते च, न वो किसी को परेशान करता है न किसी से परेशान होता है, सिंपल सी भाषा। और उसको हर्ष अमर्ष ये नहीं होता, हर्ष यानी अहंकार की प्रसन्नता, आपकी तारीफ, अरे भाई क्या बात है, आपकी तो बहुत गजब के हैं, आप तो इतना बढ़िया लेक्चर देते हैं कि आपके लेक्चर से तो आनंद आए, अरे भाई ऐसा है हमने भी कुछ पढ़ा है, लोग हमारा सम्मान नहीं करते हैं, अरे नहीं सर हमने सुना है, हमने, हम जानते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मगर ये क्या है, हर्ष को आपके पोषण मिला, आपके अहंकार को पोषण मिला, तो आप हर्षोन्मत्त हो गए और हर्ष में पागल होकर के आपने अपने लेक्चर की तारीफ सुनी, या आपके इस रूप की तारीफ की किसी ने, या आप, इससे अच्छा तो परेशानी नहीं होना कभी। हर्ष में भी और अमर्ष में भी, अमर्ष का मतलब होता है रोष, क्षुब्धता, पड़ोसी को देख के क्षुब्धता, किसी दूसरे की प्रगति देखकर क्षुब्धता। आज आदमी अपने दुख से जितना परेशान नहीं है उतना दूसरों के सुख को देख के परेशान, ठीक है ना। तो ये अमर्ष शब्द उसी के लिए आया, हर्ष अमर्ष। भयोद्वेग, भय और उद्वेग ये परेशान नहीं करते उसको। भय किसका? भय आपको छीन नहीं सकते, भक्त से क्या छीनोगे आप, भक्त के पास है ही नहीं कुछ, सब कुछ दे दिया भगवान को, अब आवाज क्या है, कुछ नहीं। सरमत को भय नहीं, मंसूर को भय नहीं, बंदा वैरागी को भय नहीं। बंदा वैरागी को बर्फ की सिल्लियों पे लिटा करके औरंगजेब ने कितने दर्दनाक तरीके से लोगों को मारा है, कल्पना करो, मतलब जितना भी उसका समय रहा है उसने निष्ठुर अत्याचार किए। चमड़ी को बाकायदा नुचवाया गया, चमड़ी को स्किन से अलग किया गया, पूरा के पूरा मांस दिखाई पड़े ऐसे शरीर कर दिया गया, पर एक बार भी उसने नहीं कहा कि मैं धर्म बदलूंगा, धर्म नहीं बदला उसने। और उसने कहा हमने गुरु से, गुरु साहब के लिए काम किया है, गुरु साहब के लिए जिएंगे। ये क्या है? किसी प्रकार का भय नहीं होता।
हम सारी चीजों में डरते हैं तो भय से डरते हैं। भय किस चीज का? भय हमें है भूत प्रेतों से, भय हमें है ढेर सारी संसार की समस्याओं से, भय हमें है पास ना होने से, भय हमें है कल से। कल से भय, टुमारो, कल क्या होगा मालूम नहीं, कल क्या होगा, अनिश्चितता, इनसिक्योरिटी। राम स्वामी विवेकानंद कहते हैं माँ भाई, माँ भाई, भय मुक्त हो, भय मुक्त हो, भय से बड़ा कोई पाप नहीं। क्रिश्चियंस ने कहा पापी हो, पापी हो, पापी हो, तुम पाप से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करो, प्रायश्चित करो, पुत्र की शरण में आ जाओ, भगवान के पुत्र की शरण में आ जाओ, ईसा की शरण में आ जाओ, ईसा के साथियों ने कहा। पर स्वामी विवेकानंद उन्हीं के बीच में जाके कहा कि ये आप जिस भय की बात करते ना, भय परमात्मा का मत बिठाओ, पाप का भय मत बिठाओ, माँ भाई पाप का भी भय मत करो, तुम पाप से भी मुक्त हो जाओगे यदि तुम्हारे मन में एक संकल्प बल मजबूत है तो उससे मुक्त हो जाएगा। तो भय जो है ये आप किसी से कुछ छीन नहीं सकते। और उद्वेग क्या है? उद्विग्नता नहीं है न लोक से। एक उद्विग्नता शब्द मैंने कहा यूज करी थी अभी, लोकानो दृष्टि चे लोको लोकानो दृष्टि चे, जो लोक से उद्विग्न न होता ही होता है न लोगों को उद्विग्न करता है। दूसरा शब्द यहां और आ गया फिर से भयोद्वेगे उद्वेग। उद्वेग का मतलब होता है यहां पर मन की अंतःकरण की उद्विग्नता, अपने अंदर की उद्विग्नता, अपने ही कषाय कलमश, अपनी ही वासना, अपनी ही तृष्णा हमें उद्विग्न करती रहती है। वो बाहर से उद्विग्न था, संसार से, या अपने आप से उद्विग्न है। तो भयोद्वेगे मुक्त, यह सच में भगवान ये कहते हैं ऐसा आदमी मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भक्त मेरा सबसे सही भक्त है। अब आगे कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, दूसरा 16वां श्लोक, उसके पहली लाइन को अपन बाद में लेंगे। सर्वारंभ परित्यागी, समस्त आरंभों का परित्याग करने वाला, उसके भक्त का कोई संकल्प नहीं होता तो उसका आरंभ नहीं होता। भक्त का कोई संकल्प नहीं होता इसलिए संस्कार नहीं बनते, उसका कोई आरंभ नहीं होता। भक्त कंटिन्यूटी है, भक्ति इज कंटिन्यूटी, भक्त कंटिन्यूस भाव से चल रहा है, समस्त आरंभों का परित्याग करता है। तुरियानंद जी जो हरि महाराज थे उन्होंने लिखा है नेवर मेक एनी प्लान, नेवर मेक एनी प्लान, ऑल प्लान्स आर इन वेन, सब बेकार है, इफ मदर डजंट वॉन्ट इट, अगर मां नहीं चाहती सारे प्लान बेकार है। तो कोई प्लान ऐसा मत बनाओ कि मैं ऐसा करूंगा फिर मैं ऐसा करूंगा फिर मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं। हाँ, अपने आत्म को प्रगति का प्लान बनाओ, अपनी प्रगति की योजनाएं बनाओ, कुछ भी जो कुछ बनानी है, पर ऐसे कोई महत्वाकांक्षी प्लान मत बनाओ। हम जब इच्छा और संकल्प रखते हैं अपने मन में तो हम तमस में जीते हैं, तमस में जीते हैं। और जैसे हम इच्छा और संकल्प से ऊपर चले जाते हैं, न इच्छा हो न संकल्प हो, तो वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति वो है जो भक्ति योग में जी रहा है। इच्छा हो और संकल्प हो पर कर्म कर रहा है वो श्रेष्ठ कर्म योगी बन सकता है, अच्छे काम कर रहा है श्रेष्ठ कर्मी बन सकता है। इच्छा भी है संकल्प भी है, पर इच्छा नहीं संकल्प नहीं पर कर्म है वो भक्त है परमात्मा का। इच्छा भी नहीं संकल्प भी नहीं पर कर्म है, ऐसे व्यक्ति में परमात्मा बहता है, झरता है, कण कण से परमात्मा जिसमें झरे वो व्यक्ति सर्वारंभ परित्यागी है। और वहां कौन है? वहां भक्त नहीं है, वहां मैं हूं। भगवान कह रहे हैं वहां भक्त नहीं है, मैं हूं। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान यस्मानो दृष्टे लोको वगैरह जितनी बातें सारी सारी जितनी अभी इतनी सारी आई, एक भक्त तुलाधार वैश्य की कथा सुनाता। जाजली नाम का एक ब्राह्मण था, उसने खूब तपस्या की, जाजली समुद्र किनारे तप किया, अभिमान आ गया मेरे समान कोई नहीं है, मेरे समान कोई नहीं, मैंने इतना तप किया मेरे समान कोई नहीं। तो आकाशवाणी हुई कि तेरे समान कोई नहीं है, अरे तू जाके तुलाधार वैश्य से मिल। जो तुलाधार वैश्य इस समय वाराणसी में बैठकर काशी में बैठकर के तप कर रहा है, अच्छा तब मेरे से बड़ा तपस्वी है कोई। वो वहां गया तो जैसे ही पहुंचा वो अपना बांट रहे थे अन्न वगैरह जो भी कुछ था दे रहे थे, और देने के बाद उन्होंने कहा आपकी तपस्या की मुझे जानकारी है, बिना बात किए सिद्ध पुरुष थे ना, आपकी तपस्या की मुझे जानकारी है, आप सर्दी गर्मी बर्फ की चिंता न करके आपने बहुत
ऊंट की तरह खड़े होकर के तप किया है, और आपने इतना तप किया कि आपके बालों की जटाओं में चिड़ियों ने अंडे दे दिए, घोंसले दे दिए, बना लिए, चिड़ियों उसमें उड़ती रहीं, और जब आपका तप टूटा तो आपने चिड़िया को उड़ते हुए देखा, तो क्रोध से देखा तो चिड़िया भस्म होकर नीचे गिर गई। बोले अरे तुम कुछ संभालू मैं, लाइव टेलीकास्ट ये क्या है भाई, तुम वहां कहां थे, तुमको किसने बताया, तुम तो केवल एक सिंपल से बनिया हो जो यहां पे अनाज बांट रहे हो। बोले नहीं, आपको ये ज्ञान कैसे? बोले हमने अपने जीवन में कुछ चीजों को छोड़ा है, इच्छा, द्वेष, उद्विग्नता, इनको छोड़ करके अपना जीवन जिया है। हमने किसी को भयभीत नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, कर्तव्य धर्म का पालन किया है, सत्य, अहिंसा, अक्रोध, कर्तव्य धर्म का पालन, बस यह हमारे जीवन का लक्ष्य रहा। सच्चे ज्ञान के अधिकारी तुम हो, जाजली ने कहा, सच्चे ज्ञान के अधिकारी तुम हो। अभिमानी को वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता, मैं अभिमान में आ गया था, अब मुझे ज्ञान दो, तो ऐसा कहा जाता है तुलाधार वैश्य ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बाद फिर जाजली मुक्त हो गया। ये क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि सामान्य सा जीवन जीने वाला, पर जिसने कि अपने जीवन को वैसा बना लिया जैसा भगवान कह रहे हैं, हर्षामर्ष भय द्वेगे मुक्त यस्मानो दिस्ते लोको लोकानो दिस्ते चे। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं, क्यों? यह सच में प्रिय, भगवान की जो बात को रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, भक्त का हृदय भगवान का डाक बंगला है, भक्त का हृदय भगवान का डाक बंगला है। डाक बंगला उस जमाने बड़ी बात होती थी, डाक बंगला यानी जहां अंग्रेज लोग ठहरते थे, रेस्ट हाउस होता था ना, उसमें अच्छी व्यवस्था होती थी, बाहर कोई देखरेख करने वाला होता था, पानी पिलाता था, चाय पिलाता था। तो भगवान कहां बैठते हैं? डाक बंगले में। वो डाक बंगला कहां है? भक्त का हृदय। तो भक्त का हृदय भगवान, कितने सिंपल सी भाषा में रामकृष्ण परमहंस अपनी सारी बात कह गए, भक्त का हृदय भगवान का डाक बंगला है। उसे भक्त को किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, न सुख दुख, न मान न अपमान, वो क्या है? अनपेक्षा है, बिना किसी अपेक्षा के जीवन जी रहा है। अगर कोई दे दे तो ठीक, न दे दे तो कोई बात नहीं, अपना सारा जीवन उसने इसलिए दर्शन कर। सुचिर दक्ष, वो प्रतिभावान है, दक्ष है, कुशल है, पर पावन है, शुचि यानी पावन, पवित्र है। मनीषी नस्तु भवंती पावनानी न भवंती, मनीष तो संसार में बहुत है पर पावन न हो जरूरी नहीं है, पवित्र नहीं है, अपवित्र भाव से है, इसलिए वो लिखते हैं, बोलते हैं, ज्ञान क्या बघारते रहते हैं अपना, पर पावन मनीषी को होता है शुचिर दक्ष, शुचि यानी पावन, दक्ष यानी कुशल, दक्ष यानी कुशल, टैलेंटेड, एलाइट, विद्वान, प्रतिभावान। आज प्रतिभावान समाज में ढेर सारे हैं, पर वो शुचि नहीं है, शुचिर दक्ष नहीं है। अपनी फील्ड में टैलेंटेड हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंसेज में फील्ड में, मेडिकल साइंस की फील्ड में, पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में, अपना पढ़ाने में, दर्शन में मर्मज्ञ, हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज बैठी साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की, उसमें एक विद्वान आए, बड़े विद्वान, उन्होंने जो बोलना चालू किया तो फिर उन्होंने किसी की सुनी नहीं, यहां तक कि मुझे भी उन्होंने उपेक्षा में डाल दिया, और हम में से सबको उन्होंने कहा आप जो कह रहे हैं उससे बड़ी आगे की बात कहता हूं मैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जितेंद्र भी बैठे थे, हम भी बैठे थे, डीन साहब भी बैठे थे, सबकी उपेक्षा करके उन्होंने अपनी ही बात कहना चालू की। अहंकारी ज्ञानी दक्ष व्यक्ति जिसके मन में पावनता नहीं हो, दूसरों के लिए सम्मान नहीं हो, उसको कोई नहीं मानता। भक्त कौन होता है? शुचिर दक्ष। ज्ञानी भी होता है, दक्ष भी होता है, पर शुचि होता है, पावन होता है, सुचिर दक्ष। अनपेक्षा, बिना किसी आकांक्षा से रही, बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर। उदासीन, अभी उदासीन शब्द बहुत बढ़िया है, एक संप्रदाय होता है उदासीन संप्रदाय, हम समझते थे उदासीन संप्रदाय का मतलब होता है जो हमेशा उदासीन नीचे मुंह करके बैठे रहते हैं, उदासीन मत है, उदासीन संत है, उदासीन निर्वाण पंथ है, ढेर सारे अखाड़े, उदासीन अखाड़ा है। उदासीन शब्द को गुरुदेव से पूछा, उदासीन का शब्द क्या अर्थ क्या होता है? बेटा गुरुदेव ने कहा उदासीन का मतलब उदासीन नहीं, उदासीन का मतलब उत्तासीन, ऊपर स्थित, हम ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं, उदासीन पहली मंजिल पे बैठा है, फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ है, हम ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं, वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है, नीचे की गतिविधियों से प्रभावित नहीं है, वो दृष्टा की तरह से देख रहा है सबको, उदासीन इसको कहते हैं। काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है,
पर दृष्टा की तरह से सारी गतिविधियों का निरीक्षण करने वाला ऐसा व्यक्ति। भक्त आपके साथ विचरता है पर आपके साथ नहीं है, वो ऊंची कक्षा में बैठा हुआ है। श्री मां ने बड़ा कष्ट भरा जीवन देखा, शारदा मां ने, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। उन्होंने देखा कि रामकृष्ण परमहंस चले गए, उसके बाद बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं, तो उन्होंने फिर कटोरा थमाया, बोले सन्यासी हो जाओ मांगो, मांग करके लाए, उससे घर का खर्च चला, सब कुछ धीरे धीरे करके। जो आज रामकृष्ण मिशन का इतना बड़ा वैभव दिखाई पड़ता है, ये सब 2010-2012 के बाद का वैभव है, उसके पहले इतना वैभव नहीं था। श्री माँ को अपमानित करने के लिए घर जाती थी तो उनकी भाभी भी लकड़ी से, जलती लकड़ी से खींच के मार देती थी कई बार, पर वो कभी नाराज नहीं हुई, बोले ये जानते नहीं मैं कौन हूं, ये सब के सब निरपराध है, इनको क्षमा कर देना चाहिए। ये क्या है, ये उन मछलियों के समान है जो पूर्णिमा का चांद निकलता है तो ढेर सारी लहरों में ढेर सारे चांद दिखाई पड़ते हैं, तो समझते हैं कि सहेलियां हमारी। मछली पूर्णिमा के चांद को तैर रही है पानी में, लहरों के साथ ऊपर आती है नीचे जाती है, देखती है कि एक नहीं है हजारों मछलियां हैं, किसमें, हर लहर में एक मछली है, हर लहर में एक मछली है, ये तैर रही कौन है, ये सारी की सारी चंद्रमा की छाया के साथ चलने वाली मछलियां। तो जब सुबह होती है चंद्रमा चला जाता है तो गायब हो जाती है, मछली ढूंढती वो कहां चली गई, इतनी सारी डेढ़ सारी सहेलियां थी, 1,500-2,000-3,000 हम जितनी देख पाए सब कहां चली गई, वो छाया थी। बोले ये मुझे नहीं जानते क्योंकि मेरे स्वरूप को नहीं जानते, वो जैसे मछलियां उस स्वरूप को नहीं जानती थी कि ये स्वरूप क्यों पैदा हुआ है, इसलिए ऐसा है, वो है नहीं वो दिख रहा है। हमें भी गुरुदेव हम में से एक लगे, कई बार गुरुदेव सोफे से उतर करके हमारे पास आके बैठ जाते थे, हम नीचे बैठ कर कुछ प्लानिंग बनाते थे तो नीचे आके बैठ जाते थे हमारे साथ, हम लोग उठ के खड़े हो जाते थे, बोले हाथ धोती है, मैं ऊपर से आके नीचे बैठा तो नीचे से ऊपर के खड़े हो गए, हमको ये लगता था कि हम बैठे हैं और गुरुदेव हमारे सामने बैठे, अच्छा लग रहा है, बड़ा बुरा लगता था, तो बोले नहीं बैठो, चलिए बैठो यहीं बैठो। और उसके बाद फिर वो पूरी प्लानिंग में मदद करते थे, दिखाते थे, बिठाते थे, सिखाते थे, पूरा ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बहुत सारे नक्शे शांति कुंज के बने, मुझे मौका लगा उसमें बैठने का, बहुत सारा ब्रह्मवर्चस्व का जो क्रियाकलाप चले उसमें भी। तो गुरुदेव हमको अपने में से एक जैसे लगे, तो क्या कुछ लोगों को सामान्य लगे, पर कुछ लोगों ने उनके विराट रूप को समझा, कुछ लोगों ने उनके अंदर के सोए हुए भगवान को जाना, उनकी भाव चेतना हमेशा ऊपर रहती थी गुरुदेव के, सामान्य काम, सामान्य जीवन, सामान्य क्रम, कभी अलग नहीं दिखाई दिए। यही सबसे बड़ी विशेषता होती भक्त की, कि भक्त सबसे अलग होता है, भक्त कभी भी मन में परेशान नहीं। फिर गत व्यथा, उसकी व्यथाएं चली जाती, इसमें लिखा है उदासीनो गत व्यथा, 16वें श्लोक में उदासीनो अंत्यक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथा, ये लक्षण है भक्त के सारे के सारे। 11वें लक्षण के बाद 12वां लक्षण कोई उद्विग्न नहीं होता, 13वां लक्षण हर्ष नहीं होता, अमर्ष नहीं होता, भय नहीं होता, उद्वेग नहीं होता, इनसे मुक्त होता है। फिर अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीन होता है, गत व्यथा जिसकी व्यथाएं चल चुकी हैं, दिन बीत चुके हैं, व्यथा पीछे छोड़ाया, गत व्यथा यानी गत यानी पीछे छोड़ जाना, व्यथा यानी व्यथा जिसकी व्यथाएं समाप्त हो गई, किसी कीमत पर दुखी नहीं कर सकते आप चाहे कितने तंग करिए वो परेशान नहीं होगा। संसार को पकड़ कर रखने वाला परेशान व्यक्ति परेशान होगा, संसार को न पकड़ कर रखने वाला व्यक्ति दुखी होगा। संसार सरकता रहता, वो कहता संसरति संसार, संसार सरकता रहता है, इसको क्या पकड़ना। ऐसे जो होते हैं व्यक्ति, चाहे दास हो चाहे कबीर है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं हमें बड़ा मंच मिलेगा, चरखा काटते काटते गीत गाते गाते परमहंस परमहंसत्व को प्राप्त हो गए, उनके वाक्य ऋषि के उद्गार थे, ऋषि वाक्य थे। एक बहुत सुंदर सी बात कही है आचार्य शंकर ने, कि कोई जरूरी नहीं, साधन साधना पंचक में कही है, साधन पंचक में, कि जो कुछ भी महात्मा के मुंह से सिद्ध पुरुष के मुंह से निकलता है, कोई जरूरी नहीं कि संस्कृत हो सकता है उर्दू हो सकता है वो हिंदी हो सकता है अवधी हो, कोई भाषा हो सकती है, जिस भाषा में निकले वो मंत्र बन जाता है, जरूरी नहीं कि संस्कृत हो। कबीर और रैदास के मुंह से भी जो निकला वो मंत्र बन गया, तुलसीदास जी के मुंह से जो निकला, उनकी लेखनी से जो निकला, वो रामचरित मानस बन गई, अमृत बन गई। वेद शब्द विद धातु से बना है, विद, विद का अर्थ कोई बना बता सकता है, विद का अर्थ क्या होता है, जानना,
अनुभव करना, जानना और अनुभव करना, सोचना नहीं, जानना और अनुभव करना, ये वास्तविक ज्ञान है। जान करके अनुभव करना, ये अनुभूत ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। तो वेद का ज्ञान जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही इन महापुरुषों का दिया हुआ ज्ञान महत्वपूर्ण है। जो भी ज्ञान है वो सब वेद है। लगभग 20,000 से ज्यादा मंत्र जो है वेद के, वही मंत्र मात्र नहीं बल्कि कबीर की वाणी भी वेद है, तुलसी की रामायण भी वेद है। ये मत मानो कि संस्कृत की ही वेद है, संस्कृत ही वेद है, सब कुछ वेद है। वेद वाणी जिसको कहा जाता है, श्रुति जिसको कहा जाता है। भगवान ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हैं, ये सब के सब न सारी सारी चीजों से मुक्त हो जाते हैं, इसी कारण मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। जो भक्त है वो इतना ताकतवर होता है कि उसकी ताकत से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। कहानी सुनो, बस दो तीन कहानी को मैं समाप्त कर देंगे। आज दो श्लोक लिए हैं, 15वां 16वां, कल 17वां 18वां, परसों 19 20, परसों समापन। एक राजा के बेटे को कोढ़ हो गया था, बहू को भी कोढ़ हो गया, बेटे को भी बहू को भी कोढ़। उसको युवराज बनाना था। वैद्य हकीम आए तो वैद्य हकीमों ने शरीर का इलाज करने की कोशिश की, नहीं ठीक हुआ। संतों को बुलाया, तपस्वियों को बुलाया कि भाई आप ठीक करिए, वैद्य हकीम तो मात्र शरीर का इलाज कर सकते हैं, आप बताइए क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रारब्ध के कारण है, तो इसको हम ठीक करेंगे, हम संत हैं। सबने अपनी अपनी कारीगरी लगा दी, कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग किया, कुछ सिद्ध सिद्ध मंत्रों का प्रयोग किया, कुछ कोई ठीक नहीं हुआ, किसी की सिद्धि किसी काम नहीं आई। एक महात्मा आए राजा के राज्य के दरबार में, इतने बड़े, हम उपाय बताते हैं। एक भंडारे में महात्माओं को बुलाओ, 30 दिन तक भंडारा चले, और हो सकता है उनको ठीक करने वाला महात्मा मिल जाए आपको, हो सकता है कोई ऐसा मिल जाए जो ठीक कर दे। तो 30 दिन के बजाय महाभगवान राजा ने 3 साल तक गेरुए कपड़े वालों का भंडारा चलाया। 3 साल तक इतने महात्मा आए पर कोई भी ठीक नहीं कर पाया। सबको कहा जाता था कि भाई आप भंडारा तो ले लो, आप खा तो लो, और उसके बाद आप जरा आके देख लेना, वो रोग है वो ठीक हो सकता है क्या राजा के युवराज का। किसी ने नहीं, 3 साल में नहीं हुआ। महात्मा से कहा राजा ने, 3 साल में नहीं हुआ, आप बताओ क्या होगा। हमारे एक ही बेटा बहु दोनों को कोढ़, और लेप्रोसी की इस रोग से ग्रसित होने के बाद आप मालूम नहीं कब कैसे ठीक होंगे। प्रार्थना की महात्मा ने, प्रार्थना की, ध्यानस्थ हो गए। ध्यान की अवस्था में उन्होंने देखा कि मानसरोवर के पास एक महात्मा है, वेद मंत्रों की गूंज आ रही है, और ध्यान में उनसे निवेदन किया, महात्मा भगवान आप बताएं कि क्या कोई तरीका है। तो उन्होंने कहा किसी के पास सिद्धि नहीं है, जितने महात्मा तुम्हारे आए हैं भंडारे में किसी के पास सिद्धि नहीं है, हम आएंगे। कब आएंगे प्रभु, आप मानसरोवर से चलेंगे तो कब तक आएंगे। तो उन्होंने कहा हम आ जाए 2-3 घंटे में पहुंचते हैं। मानसरोवर 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे तो हमको आने में कितना टाइम लगेगा। बस पहुंच गए 2-3 घंटे में। ये उनके दर्शन करके मूर्छित हो गया, ये साधु महात्मा जी, उनका जो अंतर्दर्शन किया उन्होंने, उन्होंने ध्यान किया और महात्मा जी के मानसरोवर के किनारे दर्शन हुए। दिव्य महात्मा, दिव्य अलौकिक आभार। उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने आकर के उनको स्पर्श किया, तो स्पर्श करते ही वो ठीक हो गए, मतलब मुक्ति मिल गई उनको एक प्रकार से, संज्ञानता से, असंज्ञानता से उनको एक प्रकार से बेहोश हो गए थे तो बेहोशी से मुक्ति मिली, होश आया। उन्होंने कहा कि भगवान हमने आपको बुलाया है, आप राज्य के युवराज को देख लीजिए, युवराज कैसा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपका बहुत शोषण किया, तो वो कर्म लग गया है, हाँ इसे हम ठीक नहीं कर सकते। हाँ एक उपाय है, एक उपाय, अगर एक भक्त इनको क्षमा कर दे तो ठीक हो सकता है। तो आप ज्ञानी हैं, आप ब्रह्मज्ञानी हैं, कौन भक्त ठीक कर सकता है। तो बोले एक व्यक्ति है, अगर वो प्रार्थना करे तो सब ठीक हो जाएगा। बोले कौन। बोले आपके राज्य में, आपके राज्य से 2 मील दूर एक गांव है, आपकी राजधानी से 2 मील दूर एक गांव है, वहां एक चरवाहा रहता है, उसकी आत्मा में वह स्वर है जो भगवान का विधान बदल सकता है। एक चरवाहा ठीक कर देगा। इतने बड़े वैद्य, इतने बड़े 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 महात्मा, इतने बड़े बड़े ज्ञानी, वो ठीक नहीं कर पाए, चरवाहा ठीक कर देगा। तो उन्होंने कहा वो सिद्ध नहीं है तो क्या हुआ, वो भक्त है, निर्मल भाव वाला है, उसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, निर्मल है, मन का गहरा है, और पुकार भगवान जरूर सुनेगा। हमारी दिव्य दृष्टि कहती है कि उस व्यक्ति को आप बुलाइए। दिव्य दृष्टि से देखा उन्होंने, उन्होंने कहा इस गांव में है, इस मकान में है, आप जाइए। तो उन्होंने, हमारे पास तो कुछ देने का दंभ है, इनके पास अहंकार अपनी सिद्धि का है, पर हमारे, उसके पास तो कुछ भी नहीं है,
अनपेक्षा, बिना किसी अपेक्षा के, शुचिर दंभ, दंभ है ही नहीं उसके अंदर, उसे कुछ चाहिए भी नहीं, आदर सत्कार से बुलाया गया उसको। अब राजा की सवारी आई भाई, राजा जब पता चला कि इतना बड़ा चरवाहा, इतना बड़ा भक्त है, तो उसको लेने गई। तो उसने कहा कि भैया मैं, भगवान मेरा रूठ जाएगा, आप लोग चलो मैं आता हूँ, अगर राजा ने बुलाया है तो मैं आता हूँ, पर मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया? बोले नहीं अपराध नहीं, आपको राजा ने बुलाया। उन्होंने कहा यदि कल्याण होता है तो हम प्रार्थना करेंगे, पर हमारा भगवान जो है उससे हम पूछेंगे पहले, प्रार्थना के समय, भक्ति के समय हमारा भगवान हमारी बात का जवाब देता है। तो बोला कैसे करोगे प्रार्थना, आओ महल में हमारे पूजा घर में आ जाओ। हम कई कई घरों में जाते हैं तो लोग हमको अपने पूजा घर में ले जाते हैं, वो कहते हैं आप यहाँ बैठ के ध्यान कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, दीपक जला दीजिए ताकि सिद्ध सिद्ध आसन हो जाए, और यहाँ जब हम जब भी जप करें तो समृद्धि आए, यश आए, ये नहीं सोचते ध्यान लग जाए ये कल्पना नहीं करते ध्यान लग जाए, ये है कि आपने आके बैठे किया है। अरे भैया ऐसा हो तो हम तो हर एक आसन पे जाके बैठे हैं और कहें भी जितना आए उसमें से आधा हमको दे देना, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे, इतना बड़ा काम कर रहे लोग जो है वो उस बात को समझ नहीं पाते। राजा ने कहा हमारे हमारे महल में चलो, इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है। महाराज आपके मंदिर में वो बात नहीं है, हम उस पेड़ के नीचे बैठ के जप करेंगे। पेड़ के नीचे गया, घास फूस लेके आया और प्रसाद चढ़ाया, भगवान को प्रार्थना की। उसने कहा भगवान अगर आप प्रारब्ध को टाल सकते हैं, एक प्रार्थना, भक्त की प्रार्थना, अगर हमने कोई गलत काम न कहा किया हो, अगर आपने ये देखा होगा कि हमने किसी को उद्विग्न नहीं किया, किसी को हमने उद्विग्न नहीं करते, न किसी ने हमको उद्विग्न किया, हम किसी से उद्विग्न नहीं हुए, हमने जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रखी, किसी से अपेक्षा नहीं रखी, बस आपकी भक्ति निर्वाह करते रहे और अपना काम करते रहे, आप कृपा करके उनके कोढ़ को शांत कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। कोढ़ ठीक हो गया, प्रारब्ध टल गया। ये भक्ति की कथा है। अगर भक्ति में बल हो तो क्या नहीं कर सकता, भक्ति में बल हो तो प्रारब्ध को भी काट सकता है। कौन? एक सिंपल सा सिंपल चरवाहा, कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष नहीं, सिंपल सा सिंपल चरवाहा। भक्त की सिद्धि क्या है कि उसके पास सिद्धि नहीं है। भक्त की सिद्धि सबसे बड़ी क्या है, वो सिद्ध पुरुष जैसा लगता ही नहीं है, वो सामान्य सा व्यक्ति लगता है। हमने ये कुर्ता धोती पहने हुए सिंपल से लगते हैं कि नहीं? नहीं साहब, आप तो इतनी बड़ी गाड़ी में चलते हैं, पर हमारे मन में अंदर से कोई भाव नहीं है, हमारे मन में ये भाव नहीं है कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे न मिला कोई बात नहीं, न मिला तो भगवान जाने। अंदर से अपने आराध्य के प्रति भक्ति का भाव है मन में, इसलिए भगवान हमारी भी कभी कभी सुन लेते हैं, और सुन लेते हैं तो हो जाता है किसी का। भक्त की सिद्धि ये है कि उसके पास सिद्धि है ही नहीं, उसके पास क्या है, परमात्मा का बल है, परमात्मा का बल, कोई आकांक्षा नहीं। नारद जी इंद्र के आए, दूसरी एक और कहानी। नारद जी इंद्र के आए और उन्होंने कहा में, आजकल बड़े निश्चिंत दिखाई पड़ते, क्या कोई तप नहीं कर रहा, इंद्रासन तो नहीं डोल रहा तुम्हारा? महाराज जी अभी सब ठीक है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तप कर रहा हो। तो आपको कोई कामकाज ही नहीं है इसका मतलब? तो बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, कामकाज तो चलाते हैं सब इंद्रलोक का। फिर उन्होंने कहा नारद जी आप ये सब पूछ रहे, इसका मतलब कोई तपस्या पैदा हो गया है, क्या कोई तपस्या कर रहा है, कोई तपस्या की बात है जिसकी इंद्रासन पर दृष्टि है? उन्होंने कहा एक व्यक्ति है उसका तेज दिनों दिन बढ़ रहा है, एक व्यक्ति है जिसका दिनों दिन तेज बढ़ रहा है। कैसा है वो, कैसा तप कर रहा है, एक पैर पे खड़े होकर कर रहा है क्या, और क्या कुछ नहीं खा रहा है, कहाँ है वो, किधर है, मैं उसकी तपस्या भंग करता हूँ। उर्वशी रंभा सब आओ, चलो चलना है सबको भंग करने। इंद्र ने अपने हिसाब से अपनी तैयारी चालू कर दी। अरे सुनो तो सही उसके बारे में, वो स्वाभाविक जीवन जीता है, एक जो नीचे राज्य है पृथ्वी दो लोग उसमें जीवन जीता है, भगवान का नाम लेता है, जगदम्बा का अनन्य भक्त है, उसने संसार का त्याग नहीं किया है, वो आराम से संसार में रहता है। महात्मा नहीं है, सेठ का पुत्र है, पैसे वाला है, पैसा जितना मिलता है सब बांट देता है पूरा के पूरा, न किसी से कोई अपेक्षा रखता है, न किसी प्रकार की। हाँ जब भी कोई ज्ञानी आता है उसका सम्मान करता है, महात्मा आता है उसका सम्मान करता है, उनसे ज्ञान लेने की कोशिश करता है। इंद्र संकट में पड़ गया कि अभी तक जिनकी तपस्या भंग की थी वो सबके सब उग्र तपस्वी थे, कठोर तपस्वी थे, उनको तो हम ठीक कर लेते थे, कंदमूल खाते थे, ये तो सब रोज का खाना खाता है, इसको हम कैसे तपस्या भंग करेंगे, इसके जीवन व्यतिक्रम कैसे पैदा हो? ये अप्सरा से ही प्रभावित नहीं होगा क्योंकि इसके पास पहले इसकी सुंदर सी पत्नी है और उसके साथ एक जीवन जी रहा है ये आराम से। उन्होंने नारद जी से पूछा, नारद जी ये बताइए कि कैसे होगा ये सब? तो उन्होंने कहा तुम मत सोचो। क्यों? अनपेक्षा, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, उसकी इंद्रासन पर निगाह है, जब तुम्हारे तप
तुम्हारे आसन से डिगाने की उसके मन में इच्छा है, पर उसकी भक्ति इतनी प्रबल है कि भगवान तक से प्रभावित है, उसकी भक्ति प्रगाढ़ है, मजे से भक्ति भजन करता है, व्यापार चलाता है और जो इच्छा करता है भगवती पूरा करती है। अगर वो बहुत बड़ा भंडारा आयोजित कर ले, मां भगवती सारी व्यवस्था कर देती है उसकी व्यवस्था से ज्यादा। और अगर तुम गए, नारद जी ने छेड़ा, अगर तुम गए और तुमको देख करके उसको इंद्रासन का लालच आ गया मान लो, तो मां भगवती उसको इतना मानती है कि वो इंद्रासन तुमसे छीन के दे देंगी, और तुम मां भगवती के से का लिया हुआ इंद्रासन तो तुम कभी तुम वापस नहीं ले सकते। बड़ी कठिन बात है, यहां भंग करने लायक कुछ है ही नहीं, भक्ति में भंग करने लायक कुछ भी नहीं होता। तपस्या में हो सकता है, ज्ञान में हो सकता है, तितिक्षा में हो सकता है, भक्ति में भंग करने के लिए कुछ है ही नहीं। इस साधना में क्रिया, विचार, भाव सब समाप्त हो जाते हैं, केवल सहज प्रेम अनुराग होता है। ऐसों का केवल वंदन किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा इंद्र से, तुम यहीं बैठे बैठे उसका वंदन कर लो, मात्र तुम्हारा अहंकार कम हो जाए कि तुम भगवान के इंद्रलोक के राजा हो, तुम यहीं से प्रणाम कर लो कि ऐसे भी भक्त हैं जो बिना किसी अपेक्षा के, तुम अगर इतना बड़ा राज्य भी दे दोगे वो नहीं लेगा, उसको उसको राज्य नहीं चाहिए। ये जो चीज है मित्रों, ये सबसे बड़ी चीज है कि हमारे मन में कोई अपेक्षा ना हो, हम किसी को कुछ देना चाहें और हम किसी से कुछ लेना चाहें और मन में वो बात भी नहीं है। ये अगर भाव हमारे मन पैदा हो जाए तो भगवान के जो 14, 15 और 16 वाला शोक है वो वाली बात हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सा आज का जो क्रम था उसमें जो बताया, इसको मन में धारण करना। सबसे बड़े जो उदाहरण के रूप में अंतिम जो उदाहरण है भक्त विदुर का उदाहरण, हमारे डॉक्टर APJ कलाम साहब ये कहते थे, मैं अगर भारत की संस्कृति में सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ महाभारत के पात्रों में तो भक्त विदुर से प्रभावित हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सब कुछ बिना किसी अपेक्षा के राज्य को दिया। राज्य को जरूरत थी तो उन्होंने नीति सिखाई, नीति का उपदेश दिया, धृतराष्ट्र को समझाया तुम गलत कर रहे हो, दुर्योधन के बारे में दुर्योधन के मुंह के सामने कहा, ये दुष्ट बेटा जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हारे लिए अपेक्षा वो तुम्हारे लिए परेशानियों का कारण बनेगा, अगर तुम इसे दंडित कर सको तो दंडित करो और पांडवों को उसका राज्य लौटा दो, बकायदा उसके मुंह के सामने। उनको कोई डर नहीं था किसी का। भगवान कृष्ण जब भी आते थे तब कहाँ ठहरते थे आपको मालूम है, हस्तिनापुर जब भी आते थे तो विदुर के घर ठहरते थे, साग विदुर घर खाए। भगवान ने कभी दुर्योधन के मेवा नहीं लिए, दुर्योधन ने बुलाया अभी राजा आए हैं उनको अपने बुलाओ अपने गेस्ट हाउस में ठहराओ, नहीं विदुर के यहाँ जाएंगे, विदुर के घर रहेंगे। भगवान विदुर के घर रुके, विदुर की पत्नी उनको केला छील करके, उसने सोचा कि केला छील के देते हैं तो भगवान कष्ट भी नहीं होना चाहिए, तो केला खुद खा गई और छिलका उनको पकड़ा दी, केला खुद खा गई किसी का, तो साग विदुर घर खाए, तो केले के छिलके की सब्जी तब से बनने लगी। केले के छिलके भगवान ने विदुर की पत्नी के द्वारा दिए गए खाए। विदुर का जीवन पारदर्शी था, विदुर मंत्री थे, महामंत्री थे हस्तिनापुर के। जब उन्होंने देखा कि ये महाभारत को हम टाल नहीं सकते, महाभारत होके रहेगा, तो 30-35 साल के लिए बाहर निकल गए, पूरे देश की परिभ्रमा की उन्होंने, और परिभ्रमा करके वहां से लौट करके जब आए तो उन्होंने फिर धृतराष्ट्र के पास जाकर के बैठ करके धृतराष्ट्र गांधारी को उपदेश दिया वैराग्य का, और वैराग्य का उपदेश दे करके, क्योंकि ये तो मरे नहीं थे, मरे तो उनके बेटे पूरा संवंश था, तो उन्होंने उनको उपदेश दिया वैराग्य का। उन्होंने कहा पांडव भी गल गए, अब आप भी समाप्त हो जाइए, इस वैराग्य के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाइए। तो ऐसी जो विदुर नीति है, विदुर नीति एक पॉलिसी के रूप में मानी जाती है, विदुर जो है उन्होंने बिना किसी अपेक्षा के जीवन जिए, संत हो भक्त हो तो विदुर, इसलिए संत नहीं कहा जाता विदुर को, भक्त विदुर कहा जाता है। आज नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र बताने का मन है, नोट कर ले, सतरती सतरती, स यानी वह, तरती यानी तर जाता है, सतरती सतरती स कौन, लोकांश तारयति, स लोकांश तारयति, 50वां श्लोक है नारद भक्ति स्तोत्र का। जो प्रेम को प्राप्त हो गया, जो भक्ति को प्राप्त हो गया वो तर जाता है, यही नहीं वह लोगों को भी तार देता है, वह एक नाव बन जाता है, वह एक नाव बन जाता है और अपनी नाव में बिठा करके सबको पार कर देता है। आइए।
मन के काराग्रह से निकले, मुक्ति के द्वार ध्यान के माध्यम से आगे बढ़े। आज का ध्यान है चंद्रमा का ध्यान। लाइट बंद कर दें। चंद्रमा का मन से बड़ा गहरा संबंध है। कहा जाता है चंद्रमा मन सो जाता है, मन का देवता है चंद्रमा। अभी थोड़ी देर बाद जब आप बाहर निकलेंगे यहां से भोजन करने के लिए, सामने आपको चंद्रमा दिखेगा। और ये षष्ठी का चंद्रमा है ना, सप्तमी का चंद्रमा है आज। सप्तमी का चंद्रमा बहुत अच्छा, अष्टमी का चंद्रमा आधा होता है और पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा आने वाली, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण दास रचाते हैं। हम शरद पूर्णिमा से थोड़े दिन पहले ध्यान कर रहे हैं। आइए चंद्रमा का ध्यान करें। शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, भाव मुद्रा, भाव मुद्रा। शांत मन, पूरी तरह शांत मन, शांत, कोई उद्विग्नता नहीं, कोई बेचैनी नहीं। किसी के प्रति कोई भी घृणा का भाव नहीं, द्वेष का भाव नहीं। हम एक भगवान के प्रिय भक्त बनने का प्रयास करें। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली। गंगा बहती हुई चली जा रही, गंगा के किनारे हम खड़े हैं, चंद्रमा का उदय हो रहा है, पूर्ण चंद्र, पूर्ण चंद्र शीतलता लाने वाला। इस्लाम धर्म में, बौद्ध धर्म में, सिख धर्म में चंद्रमा की बड़ी महत्ता है। हमारे लिए भी चंद्रमा उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे मन की लय को ठीक करने की सामर्थ्य इसके अंदर है। चंद्रमा सोम तत्व से भरा पूरा चंद्रमा, जीवन रस को परिष्कृत करने वाला तत्व चंद्रमा, हमारी भाव संवेदनाओं को परिष्कृत करने वाला, प्यूरिफाई करने वाला तत्व चंद्रमा। रात्रि का समय, गायत्री कुंज, शांति कुंज, गंगा का किनारा, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से पूर्ण चंद्र निकलता हुआ, चंद्रमा। चंद्रमा का ध्यान किसी भी दुखी, कष्ट से पीड़ित, बेचैन, उद्विग्न और किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो भक्ति का प्रथम पाठ चाहता है, बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए हृदय आकाश में चंद्रमा का अवतरण, हृदय रूपी आकाश में, अंतर गगन में चंद्रमा का उदय। चंद्रमा से अमृत झरता है, अमृत वर्षा, अमृत वर्षा। अमृत का रोम रोम में संचार, अग्नि तत्व प्रातः काल के लिए और रात के लिए चंद्रमा। हृदय आकाश में चंद्रमा का उदय, जो चंद्रमा बाहर दिखाई दे रहा है वो अंतर गगन में दिखाई पड़ रहा है, अंतर जगत में दिखाई पड़ रहा है। चंद्रमा
पूर्णचंद्र। हमारी मन की लय को ठीक करने वाला, हमारी साधना को सिद्धि में बदलने वाला, अमृत तत्व के माध्यम से हमारे मन को शांत करने वाला चंद्रमा। चंद्रमा हमारे अंतर्मन में, हमारे अंतर्गगन में उदय हो रहा है। बाहर तो उदय हो रहा है, बाहर के साथ साथ हमारे अंदर भी, और हमारे अंदर उदय होकर हमारे अंदर ही प्रकाश ही प्रकाश, सारे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश, सोम तत्व का संचार, चलती हुई तपती हुई बेचैन इंद्रियों को शांति, तृप्ति तुष्टि शांति। भगवान शंकर के सिर पर बैठा हुआ चंद्रमा, नीलकंठ शिव के गले में पड़े हुए सांप के विष को शांत करता है, सर्पों के विष को भी शांत करता है अमृत तत्व चंद्रमा। चंद्रमा में बहुत शक्ति है, चंद्रमा वनौषधियों से जुड़ा है, चंद्रमा हमारे अंतरंग से जुड़ा है, चंद्रमा हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग से जुड़ा है, भले ही वो खुद ज्योति नक्षत्र नहीं, सूर्य की ज्योति ही उसके माध्यम से प्रकाशित होती है, परावलंबी है, पर चंद्रमा में ही भगवान कृष्ण रास हो जाते हैं, चंद्रमा की ज्योति में ही भगवान कृष्ण को आनंद आता है। हमें गुरु से सानिध्य कराने वाला, योगेश्वर कृष्ण को मिलाने वाला चंद्रमा, हमारे जीवन में ऐसा चंद्रमा उदित हमारे साथ साथ दोहराएंगे। गीत है a
आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। शिरनयन की घड़ी तो कभी आएगी, ऐसी घड़ी तो कभी आएगी। साधना से पटकती रहे जन्म भर, साधना से भटकती रहे जन्म भर। सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। जब हमें सिद्ध का स्रोत ही मिल गया, साधना की जड़े सुख में क्यों लगी। जब हमें सिद्ध का स्रोत ही मिल गया, साधना की जड़े सुख में क्यों लगी। साध गुण ही गए जब महाप्राण से, स्नेह की श्रृंखला टूटने क्यों लगी। प्राण जुड़ ही गए जब महाप्राण से, स्नेह की श्रृंखला टूटने क्यों लगी। स्नेह की श्रृंखला टूटने क्यों लगी। प्राण की साधना जुड़ महाप्राण से, प्राण साधना महाप्राण से। साधना क्षेत्र में और रंग लाएगी, साधना क्षेत्र में और रंग लाएगी। साधना से पटकती रहे जन्म भर, साधना से पटकती रहे उम्र भर। सिद्धि ऐसी स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। स्वर्ग ही मिल गया, स्वर्ग ही मिल गया। स्वर्ग ही मिल गया, स्वर्ग ही मिल गया। हमारे शिक्षक बोलेंगे, ओम तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। ओम ओम असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय। ओम ओम मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय। ओम ओम शांति 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 शांति। ध्यान की ऊर्जा हमारे रोम रोम में कण कण में समव्याप्त हो। आज का विशेष शांति पाठ है श्वेताश्वेतर उपनिषद तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक श्वेताश्वेतर उपनिषद। हमारे साथ जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुः स शृणोत्य कर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरम्यं पुरुषम महांतम। वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला है, वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है। आंखों के बिना ही वह सब कुछ देखता है, कानों के बिना ही सब कुछ सुनता है। बस जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं हैं उन सबको जानता है, सबको जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं। ज्ञानी पुरुष उसे महान आदि पुरुष
कहते हैं। ओम शांति शांति शांति। फिर से एक बार उपनिषद का ज्ञान हमारे जीवन में स्थापित हो। लाइट्स ऑन कर दें। गीता की आरती।